हेलो एवरीवन, आई एम दुर्गेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सीएससी डिपार्टमेंट फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फ्रॉम डी सीएससी थर्ड सेम। टुडेज अवर टॉपिक इज एग्जाम्पल्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। हम फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे पाइथन में, है ना। हमने क्या है, इंस्टॉलेशन क्या है बता दिया था, ठीक है। पाइथन क्या होता है, पाइथन का फीचर्स, उसका बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसका एप्लीकेशंस, देन हम लोग क्या बताया था इसके बारे में, उसका इंस्टॉलेशन, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, ठीक है। हमने ये सारा चीज आपको बता दिया था। अब हम क्या करेंगे, हमको जानना है कि एग्जांपल्स कैसे होता है, ठीक है। कैसे हम उसमें बनाते हैं पाइथन में प्रोग्राम, कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग, उसका एग्जांपल्स कैसे टाइप का बनता है, कैसे आता है ना। वो सीखने से हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो फर्स्टली स्टार्ट कहाँ से होता है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आता है फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम में क्या आएगा आपका, इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द बेसिक सिंटैक्स ऑफ पाइथन। वी विल रन अ सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द कंसोल, ठीक है। हम क्या करेंगे इस सेक्शन में, हम लोग क्या है, हमको मतलब बेसिक सिंटैक्स देखना है पाइथन में। जनरली कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले हम उसको क्या लिखते हैं, पहला सिंटैक्स, ठीक है। उस सिंटैक्स के बेसिस पे हमको क्या तैयार करना पड़ता है, अपना प्रोग्राम, कि हमको इस सिंटैक्स के बेसिस पे हमको क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम रखना है, क्या बोल रहा है, या यदि वेरिएबल है तो वेरिएबल लेना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, मेथोडोलॉजी है, या फिर स्टेटमेंट लिखना है, ये जो भी है, जैसे भी प्रकार का है, हमको क्या है सिंटैक्स मिलता था, उसी हिसाब से हमको क्या करना है, अपना पाइथन को प्रोग्राम देना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, सिंपली हमको फर्स्टली बोला गया है उसमें हमको सिंपली प्रोग्राम रन कराना है, प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कंसोल स्क्रीन जो हमारा रन होके जिसपे दिखता है हमको, ठीक है, हमको आउटपुट मिलता है, वो हमारा क्या है, कंसोल स्क्रीन होता है, उस पर हमको क्या करना है, हेलो वर्ल्ड करके प्रिंट क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। प्रिंट लिखना है हमको, प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। पाइथन प्रोवाइड्स अस टू वे टू रन अ प्रोग्राम, हमको दो वे मिलता है प्रोग्राम को रन कराने का, एक क्या है आपका इंटरेक्टिव इंटरप्रेटेड प्रॉम्प्ट और दूसरा आपका स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड और आपका स्क्रिप्ट मोड, हमने जो वर्किंग मोड देखे थे पिछले क्लास में, है ना। वर्किंग मोड हमारा क्या है, आपका क्या है, इंटरेक्टिव मोड और आपका स्क्रिप्ट मोड, तो दोनों के बारे में एक बार फिर से बताना चाहूंगी। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है आपका, जो इसमें आपका साथ में दिया है इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट, मतलब आपका क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, लाइन बाय लाइन आपका क्या करता है, वन लाइन देन टू लाइन ऐसा आपका क्या है, वन लाइन बाय लाइन आपका जो एरर है वो चेक करता है, कौन, इंटरप्रेटर। वैसे ही आपका क्या है इसमें यूज होता है इंटरेक्टिव मोड में, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड में आपका क्या आता है, सिंगल लाइन प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। सिंगल लाइन का प्रोग्रामिंग जब आपको करना है तो आप किसमें करते हैं, इंटरेक्टिव मोड में। उसमें क्या है, आप सिंगल लाइन प्रोग्रामिंग लिखिए, देन सेकंड आपका क्या है, आपका जो इंटरप्रेस करते हैं, ठीक है। इंटरप्रेस करने से आपको क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का वर्क किसमें होता है आपका, इंटरेक्टिव मोड में। देन स्क्रिप्ट मोड में क्या आता है, आपको लॉन्ग नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे आपको क्या करने है, कोडिंग एक साथ करने हैं, मतलब बहुत सारा नंबर ऑफ कोडिंग्स, कोडिंग लाइंस कैन रन, वन रन स्टेटमेंट, देन चूज स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमको बहुत सारा एक कोडिंग है जो एक साथ हमको रन कराना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट मोड चूज करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड में क्या रहता है आपका, बहुत सारा कोड जो है एक साथ रन हो जाता है, और स्क्रिप्ट इंटरेक्टिव मोड में क्या रहता है, सिर्फ एक लाइन ही आपका क्या होता है, रन हो पाता है, ठीक है। सिंगल लाइन वर्क जो होता है वो इंटरेक्टिव मोड में होता है, और बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस कोडिंग रहता है वो आपका स्क्रिप्ट फाइल में रहता है। तो वही दोनों को यूज करके हमको क्या करना है, प्रोग्राम रन कराना है, ठीक है। अगर सिंगल लाइन आपका प्रिंट हेलो बस कराना है तो आप इंटरेक्टिव मोड ले लीजिए, अगर उसमें और कुछ कराना है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, या लूप का प्रोग्राम है, या बहुत सारे कुछ भी और प्रोग्राम है, तो उस सारे के लिए क्या है आपका, स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रिप्ट जो मोड है उस पर आप करवा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। गेट स्टार्टेड विथ पाईचार्म, ठीक है। पाईचार्म आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है पाईचार्म करके, उसमें आपका रहता है जिसमें पाइथन का प्रोग्राम रन होता है। इन अवर फर्स्ट प्रोग्राम वी हैव यूज्ड एडिट और एडिट ऑन अवर सेंट ओ एस ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन एडिटर, ठीक है।
आपका क्या है, एडिटर है, एक CentOS नाम का एक क्या है आपका सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जिसपे यही क्या क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर, उस पर हम लोग क्या करते हैं, एडिट करते हैं प्रोग्राम्स को. ऑन विंडोज वी हैव एन अल्टरनेटिव लाइक नोट पैड और नोट पैड प्लस प्लस टू एडिट द कोड. ठीक है, हमारे पास क्या है, दो ओपन सोर्स आपका क्या है सॉफ्टवेयर है, नोट पैड और नोट पैड प्लस प्लस, जिसपे हम लोग क्या करते हैं प्रोग्राम रन कराते हैं. ठीक है, ये हमारा क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है जिसपे हम लोग वर्क करते हैं, हमारा नोट पैड और नोट पैड प्लस प्लस वर्क होता है. ठीक है, हाउएवर दिस एडिटर्स आर नॉट यूज्ड एस आई डी ई फॉर पाइथन सिंस दे आर अनेबल टू शो द सिंटेक्स रिलेटेड सजेशंस. ठीक है, आई डी ई करके सॉफ्टवेयर आता है हमारा पाइथन को प्रोग्राम को रन करने के लिए, वही आपका पाइचाम है आई डी ई. ठीक है, उसी के लिए क्या होता है आपका जो क्या है क्रॉस प्लेटफॉर्म आई डी पाइचाम, जो क्या कहता है पाइथन प्रोग्राम्स को रन कराता है. ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे इंस्टॉलेशन रहता है आपका, विंडोज मैक है आपका, उबंटू, उबंटू आपका क्या है यूनिक्स लिनक्स के लिए रहता है ना, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, उसमें क्या है कैसे हर उसमें क्या है इंस्टॉल होके उसमें वर्क करता है सेम एस. ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि उसका क्या है लिंक दी थी मैंने वहां पे www करके, वो लिंक में जाके आप वहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, वहां से रन करवा सकते हैं और वो इंस्टॉलेशन वहां पे हो जाएगा. ठीक है, एस बी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पाइचाम इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म आईडीई एंड हेंस इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन अ वेराइटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स. इन दिस सेक्शंस ऑफ द ट्यूटोरियल वी विल कवर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ पाइचाम ऑन विंडोज मैकोस ओएस CentOS एंड उबंटू. ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे क्या होता है ये रन होता है, तो इसको पाइचम को पहले इंस्टॉल कर लेना है जैसे कि हमने पहले किया था. ठीक है, तो टू क्रिएट फर्स्ट प्रोग्राम टू पाइचम फॉलोज द फॉलोइंग स्टेप. हमको कुछ कुछ फॉलो करना पड़ेगा स्टेप्स, जिसके बेसिस पे हमारा क्या होगा फर्स्ट प्रोग्राम हमारा रन होके हमारे सामने मिलेगा. ठीक है, तो ये सारा कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमको फॉलो करना है. फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, ओपन पाइचाम एडिटर, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. हमको कोई क्या करना है, हमको प्रोग्राम तैयार करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली पाइचाम करके एडिटर है आपका, उस एडिटर को क्या करना पड़ेगा ओपन करना पड़ेगा, या फिर पाइचाम को ओपन कर लो, या फिर क्या आपका टेक्स्ट एडिटर आपका नोट पैड है या नोट पैड प्लस प्लस, उसको निकाल लो है ना, ओपन कर लो. उसपे क्या है, तो इसमें हम लोग किसके लिए बता रहे हैं, पाइचाम के लिए बता रहे हैं, पाइचाम में कैसे बनाना है. ठीक है, तो पाइचाम में हमने देखा क्या करेंगे, हमको वहां पे आएगा क्या क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करके हमको ऑप्शन आएगा, वहां पे हमको क्या करना है क्लिक करना है, किसके लिए, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, मतलब हमको कौन सा प्रोग्राम करना है उसके लिए. ठीक है, देन स्टेप टू सेलेक्ट अ लोकेशन टू सेव द प्रोजेक्ट. अब वहां पे हमको क्या करेगा, पाथ देना पड़ेगा. ठीक है, सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से लोकेशन पे हमको उसको सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है या कहीं और करना है ड्राइव वगैरह में. ठीक है, तो हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है लोकेशन कि हम उस प्रोजेक्ट को कहाँ पे सेव करें. वी कैन सेव द न्यूली क्रिएटेड प्रोजेक्ट एट डिजायर्ड मेमोरी लोकेशन और कैन कीप फाइल लोकेशन एज इट इज, बट एटलीस्ट चेंज द प्रोजेक्ट डिफॉल्ट नेम अनटाइटल्ड टू फर्स्ट प्रोजेक्ट और समथिंग मीनिंगफुल. कुछ हम लोग उस फाइल का नाम कुछ और दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हेलो प्रोग्राम बना रहे हो तो हेलो फर्स्ट हेलो प्रोग्राम, या फिर और कुछ और प्रोग्राम या फर्स्ट प्रोजेक्ट, ऐसा करके हम उसको क्या है कुछ मीनिंगफुल नेम दे देंगे उस फाइल का. ठीक है, ताकि हमको पता चले कि वो उस मेमोरी लोकेशन में कहाँ पे है और कौन सा फाइल हमने चूज किया था, क्या नाम का था. ठीक है, कि हमको वो सही तरीके से मिल जाए, हमको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो उसको निकालने में. ठीक, देन आता है क्या, पाइचाम ऑटोमेटिकली फाउंड द इंस्टॉलेशन पाइथन इंटरप्रेटर. ठीक है, ये क्या करता है, ऑटोमेटिक फाउंड कर लेता है जहां पे पाइथन जो है इंस्टॉल रहता है. ठीक है, इंटरप्रेटर को भी. ठीक, देन आफ्टर चेंज द नेम क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. ठीक, हम नेम चेंज कर दिए वहां पे, तो हम लोग क्या करेंगे क्रिएट बटन को क्लिक कर देंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा. ठीक है, इसमें क्रिएट प्रोजेक्ट है. ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कौन सा नेम उसमें हम लोग को देना है, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो ब्लू करके दिख रहा है यहाँ पे अनटाइटल 3, वहां पे हमको क्या करना है, नाम लिखना है, लोकेशन देना है. ठीक है, लोकेशन देना है वहां पे, नाम लिखा कहाँ पे कहाँ भेज रहे हैं उस चीज के लिए. ठीक है, देन यहाँ पे आपका क्या रहेगा, आपका एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर वो सब भी क्या है काम करने लग जाएगा. 3.7 पर आपका क्या है यहाँ पे इंस्टॉल है, उस पर वर्क कर रहा है, तो ये इस टाइप का विंडोज ओपन होगा. वहां पे हमको क्रिएट प्रोजेक्ट करके उस पर हमको ये यहाँ पे डेस्टिनेशन देना है जहाँ पे हमको जाना है. ठीक है, वो हम लिख देंगे वहां पे.
देन यहाँ पे आप अपना क्या करेंगे, क्रिएट करके हम लोग क्रिएट बटन को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे लास्ट नीचे यहाँ पे कॉर्नर पे क्रिएट बटन दिया हुआ है, उस क्रिएट बटन को क्लिक करके हम लोग आगे निकलेंगे, ठीक है। देन हमारा स्टेप थ्री क्या बोल रहा है, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट न्यू, बाय क्लिकिंग न्यू ऑप्शन इट विल शो वेरियस फाइल फॉर्मेट, सेलेक्ट द पाइथन फाइल, ठीक है। हमने क्या है यहाँ पे, हमको विंडोज मिल गया, ठीक है। पीसी क्या आपका, ठीक है, पीसी क्या है आपका, पाईचाम का, ठीक है। पाईचाम आपका जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसके, उसमें हमने क्या किया, ओपन किया है, ठीक है, क्रिएट करके प्रोजेक्ट, तो उसमें हमको क्या मिला, फाइल, ठीक है। यहाँ पे फाइल मिला, फाइल के अंदर हमको क्या है, न्यू, न्यू पे जाना है, फाइल के अंदर हमको न्यू पे जाना है, न्यू पे गए हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या मिला, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स मिले, ठीक है। फाइल न्यू, स्क्रैच फाइल, डिक्शनरी है, पाइथन पैकेज, एचटीएमएल फाइल, पाइथन फाइल, तो ये सारे हमको फाइल मिले, उसपे हम लोग को कहाँ जाना है, पाइथन फाइल पे, ठीक है, हमको पाइथन फाइल पे जाना है। देन पाइथन फाइल पे हम लोग गए, फिर क्या करना है, स्टेप 4, नाउ टाइप द नेम ऑफ द पाइथन फाइल एंड क्लिक ऑन ओके, वी हैव टू रिटर्न द फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। पाइथन फाइल पे गए हम लोग, उस पाइथन फाइल पे गए और हम लोग क्या किए, ओके करके क्लिक कर दिए उसको, नेम लिख के, ठीक है, हम लोग फाइल का नाम लिखेंगे वहां पे, हम लोग नाम लिखने के बाद हम उसको क्या कर देंगे, ओके करके उसको क्लोज कर देंगे। अब फर्स्ट प्रोग्राम हमारा वहां पे दिखने लग गया है ना, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम करके उसको चेंज कर दिए, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम का तैयार होगा फाइल, अब हम उसको ओके करके ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करके हम लोग क्या किए, नाउ टाइप द फर्स्ट प्रोग्राम, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, देन क्लिक ऑन द रन मेन्यू टू रन प्रोग्राम, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पाइथन डॉट पी वाई, ठीक है। डॉट पी वाई क्यों लगाए यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले भी बताया था, जैसे कि नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस जो भी जिसमें भी काम कर रहे हैं वहां पे हम लोग डॉट पी वाई करके पाइथन का एक्सटेंशन देते हैं, वो पी वाई हम लोग जब तक नहीं लगाएंगे हमारा फाइल सेव नहीं होगा, फाइल सेव होगा तो वो नहीं खुलेगा पाइथन में, क्योंकि हमने डॉट पी वाई एक्सटेंशन नहीं दिया है इस वजह से, ठीक है। तो हमको डॉट पी वाई हमको देना पड़ेगा, तो हमने वहां पे डॉट पी वाई हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक्सटेंशन दिया फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी आई करके, जो फाइल आपका पाइथन फाइल दिया था ना वहां पे, उस पे हमने क्या किया, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उस फाइल के अंदर टेक्स्ट एडिटर है चूंकि ये, तो हमने उसमें क्या लिख दिया, प्रिंट आपका क्या है, ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, हमको हेलो वर्ल्ड अब क्या करना है, अब वो करना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब फाइल दिखा देगा कि फर्स्ट प्रोग्राम आपका फाइल नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे हमने किया है, ये लाइन भी आपको दिखा देगा लाइन नंबर, ठीक है, लाइन नंबर कौन सा है, 1, ये इंटरप्रेटेड है, ये इस पे कोई क्या है, एरर नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये दिखा देगा। अभी हमने ये लिख दिया, देन हम क्या करेंगे, अब इसमें रन, ठीक है, अब उस जो मेन्यू है उसमें क्या है, रन वाले मेन्यू है, उस पे हम लोग को क्या करना है, क्लिक करना है, जिससे प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। कहाँ पे है आपका, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे फाइल है, फाइल से हमने क्रिएट किया न्यू करके, न्यू पाइथन फाइल, ठीक है, पाइथन फाइल पे हमने ओपन किया पाइथन फाइल को, और हम उसमें क्या लिखे, आपका फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई करके हमने उस फाइल सेव किया, हमारा क्या है, फाइल बन गया। देन हमारे पास क्या है, रन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है रन का, ठीक है, उसको में हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारा क्या है, प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट हेलो लिखने के बाद हम उसको रन कराएंगे, तो हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया, रन पे जाके हमने क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपका फर्स्ट प्रोग्राम रन करके, है ना, लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका पूरा दिखाएगा, पूरा आपका क्या दिखाएगा, आपका जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे है आपका फाइल, लोकेशन वो भी दिखाएगा, कौन से लोकेशन में है, आपका आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड करके आपको दिखाएगा। देन आपका क्या आएगा, आपका प्रोसेस फिनिश्ड विथ एग्जिट कोड 0, ठीक है, वहां से आप एग्जिट भी कर सकते हैं, उसके लिए है आपका ये कंसोल स्क्रीन है आपका, ठीक है, कंसोल स्क्रीन पे ही हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहेंगे, अपना जो प्रोग्राम है वैसे ही हमको तैयार करते जाना है एक के बाद एक। तो हमने आज क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम हमने रन करा लिया है ना, हमने क्या है आपका जो प्रोग्राम है, फर्स्टली हेलो वर्ल्ड करके हमने क्या है, प्रिंट कराया, इसमें पाईचाम करके हमारा जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उस पे हमने क्या किया, रन कराया है, फाइल पे जाके हमने क्रिएट किया, फिर उस फाइल को क्या किया, नाम दिया डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ फर्स्ट प्रोग्राम, देन हमने क्या किया, रन पे क्लिक किया, रन पे क्लिक करने के बाद हमको आउटपुट मिल गया विथ उसके लोकेशंस के साथ, ठीक है, कौन से लोकेशंस पे है वो फाइल, उसके साथ हमको वो आउटपुट भी कंसोल स्क्रीन पे मिल गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या है, प्रोग्राम बनता है किस पे,
पाइथन पे बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा आज का जो प्रोग्राम है वो, और कैसे वर्क करते हैं इसमें वो चीज भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से दो चार और एग्जांपल्स देखेंगे कैसे वर्क होता है, कैसे क्या करता है। फिर उसके बाद उसमें जानेंगे कैसे आपको उसका क्या होता है, वेरिएबल्स है, फंक्शंस है, उस सारी चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।